हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटन फोटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ ऑक्टियोट की एक मोशन सेंसर कंसील्ड लाइट, जिसका मॉडल है ऑक्ट एक्स ट्यूबो। ये ऑक्टियोट की एक मोशन सेंसर डाउन लाइट है। अगर इसके आगे कोई भी मोशन होता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसके अंदर 360 डिग्री डिटेक्शन है। इसकी डिटेक्शन रेंज पूरे 16 फीट की है। ये एनर्जी सेविंग है। ये 10 वाट की एक ब्राइट लाइट है और इसकी काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है एक रिटेल पैकिंग इस ऑक्टियोट के मोशन सेंसर डाउन लाइट की, जिसका मॉडल है ऑक्ट एक्स ट्यूबो। और ये बहुत ही सुंदर ग्लॉस ने इसके अंदर पैकिंग है, और इसके फ्रंट में ऑक्टियोट की ब्रांडिंग है, और इसकी पंचलाइन सेंस योर प्रेजेंस मेंशन्ड है। और ये बताती है कि इसके अंदर एक कंसील्ड लाइट है जिसका मॉडल ऑक्ट एक्स ट्यूबो है। इसके अलावा इसका एक और वेरियंट आता है ऑक्ट एक्स ओडी। आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ऑक्ट एक्स ट्यूबो के बारे में। और इसके अंदर मोशन सेंसर लाइट है जो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है, 90% तक एनर्जी सेव करती है। 360 डिग्री डिटेक्शन है इसके अंदर। इसकी डिटेक्शन रेंज 16 फीट की है। एनर्जी सेविंग है और मोशन डिटेक्शन है इसके अंदर। ये एक मेड इन इंडिया लाइट है जिसके अंदर ऑक्ट आई सेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और ये लाइट दिन में बिल्कुल ही बंद रहती है, और रात में अगर इसके आगे 16 फीट तक कोई भी मोशन होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन रहती है, और उसके 60 सेकंड्स तक अगर कोई भी मोशन नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। और ये 360 डिग्रीज में मोशन डिटेक्ट करती है। ये ऑफिस के अंदर यूज हो सकती है, हॉलवेज में, स्टेयरकेसेस में, पार्किंग में, पोर्च में या मॉल्स में यूज हो सकती है। और इसके साइड में इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, और ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो बल्ब है वो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है, रिसाइक्लेबल है, CE सर्टिफाइड है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इस बॉक्स की बैक साइड में ऑक्टियोट के मोशन सेंसर बल्ब की कुछ डिटेल दी हुई है। इसकी भी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप इसको चेक कर सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए ग्लिटर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बॉक्स के अंदर ऑक्टियोट की एक मोशन सेंसर डाउन लाइट मिलती है जिसका मॉडल है ऑक्ट एक्स ट्यूबो। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कम्प्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेडी बिल्ड है इसका। इसका जो बेजल है तकरीबन 1 इंच के आसपास है, और इसके अंदर एक ट्रांसलूसेंट पैनल लगा हुआ है जिसके अंदर से हमारी लाइट एमिट होती है। और इसका जो डायमीटर है 115 mm का है, और इसको फॉल सीलिंग में लगाने के लिए जो कटआउट चाहिए वो 70 mm का चाहिए। और इसको फॉल सीलिंग में लगाने के लिए 2 क्लिप्स दी हुई हैं, और एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लिप्स हैं, काफी टाइट हैं, और इसका यूज करके फॉल सीलिंग में बहुत इजिली लग जाएंगी और काफी ज्यादा स्टेबल रहेंगी। और इसकी बैक साइड में ऑक्टियोट की ब्रांडिंग है, कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, और हमें बताते हैं कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो कि डबल इंसुलेटेड है, इंडोर यूज के लिए, नॉन रिसाइक्लेबल है। और इसके साइड में एक वायर निकल रही है इसको इनपुट करंट देने के लिए। और इस डाउन लाइट का ड्राइवर, मोशन सेंसर और LEDs इस केस के अंदर सील्ड है, तो फॉल सीलिंग का मॉइस्चर उसको अफेक्ट नहीं करता, और इस लाइट की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये लाइट अपने 360 डिग्रीज के रेडियस के अंदर मोशन को डिटेक्ट करती है, और इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 16 फीट की है। तो इस 360 डिग्री 16 फीट के एंगल के अंदर अगर कोई भी मोशन होता है रात के टाइम में तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर इसके आगे कोई भी मोशन 60 सेकंड्स तक नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करती है। और डे टाइम में इस लाइट का मोशन सेंसर काम नहीं करता, तो दिन के टाइम में अगर इसके आगे कोई भी मोशन होता है तो ये लाइट ऑन नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लाइट होती है तो इस लाइट को ऑन करने की कोई सेंस नहीं बनती, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा सेव करती है। तो अब एक बार इस लाइट को ऑन करके आपको इसका एक डेमो देता हूं। तो ये जो ऑक्टियोट की मोशन सेंसर लाइट है, इसके कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं। अब एक बार इसको ऑन करके इसकी लाइट चेक करते हैं, देखते हैं कि कितनी ब्राइट लाइट है इसकी। तो ये जो लाइट है ये एक 10 वाट की लाइट है, और 10 वाट की लाइट में जितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए उतनी ब्राइटनेस इस लाइट के अंदर भी है। तो अब एक बार इस लाइट का मोशन सेंसर वाला फंक्शन भी चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि 60 सेकंड्स के बाद ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ होती है या नहीं होती। तो इस लाइट के आगे 60 सेकंड्स तक कोई भी मोशन नहीं हुआ, और आपने देखा कि ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। और अब चेक करते हैं कि ये जो लाइट है अगर इसके आगे कोई मोशन होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होती है या नहीं होती।
तो जैसे ही मैंने अपना हाथ हिलाया, इस लाइट के आगे मोशन करा, ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो गई। ऑक्टियोट के इस मोशन सेंसर लाइट की काफी ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस है। ये डे टाइम और नाइट टाइम को काफी अच्छे तरीके से समझती है और डे टाइम में काम नहीं करती, केवल नाइट टाइम में ही काम करती है। अगर रात में इसके आगे कोई भी मोशन होता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये लाइट काफी ज्यादा एनर्जी सेव करती है। ये 10 वाट की लाइट है जिसकी ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है, और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये लाइट काफी सस्ते प्राइस में मिल जाती है, और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो ये थी ऑक्टियोट की ऑक्ट एक्स ट्यूबो की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्रिटन वुड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।